भाई 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 मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ बोल सोरो बोल। प्लीज आप ये हॉस्पिटल तक पैसे पहुँचा दोगे? मेरी बेटी बहुत बीमार है, उनको पैसे देना है। ये मेरे घर वाली वहाँ वेट कर रही है, उनको पैसे देना है। तो तू देते हॉस्पिटल में अपनी बेटी के लिए डॉक्टर को पैसे, मेरे से क्यों बोल रहा है? भाई मुझे और भी काम है, आप पैसे पहुंचा दो, बस इतना काम कर दो मेरे लिए, इतना हेल्प कर दो भाई जी। भाई कैसा बाप है तू, अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे खुद डॉक्टर को नहीं दे सकता? भाई प्लीज ये पैसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मेरी मजबूरी समझो भाई जी। अरे कैसा है तू, जाना खुद का भला कर दो ना, बेटी का भला कर दो, बस पैसे पहुंचा दो हॉस्पिटल तक, मैं नहीं जा सकता हॉस्पिटल। भाई आप बस इतना कर दो प्लीज भाई, इतना करो तो मैं पैसे। अरे तू कैसा आदमी है, जा खुद दे डॉक्टर को पैसे, मेरे को क्यों बोल रहा है? भाई आप पैसे पहुंचा दो भाई, आप ये हॉस्पिटल तक पहुंचा दो बस। अबे मैं तो ये पैसे ले लूंगा और डॉक्टर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन कैसा बाप है तू, अपनी बेटी के इलाज के लिए उसके पैसे भी डॉक्टर तक नहीं पहुंचा सकता? और भी काम है मुझे, मेरे को जाना है कहीं, आप पैसे पहुंचा दो बस। तो कैसा आदमी है यार, धन्यवाद, ये हॉस्पिटल तक पैसे पहुंचा देना, और जब तक मैं हॉस्पिटल ना पहुंचूं तो आप मेरी बच्ची का पूरा ध्यान रखना भाई जी, बस इतना उपकार कर देना आप मेरे पे। अबे जब तुझे अपनी बेटी की इतनी परवाह है, ये पैसे तू डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचवाना चाहता है तो खुद ही चला जाता, खामखा प्यार भी करता और जाता भी नहीं, कैसा बाप है रे तू, ऐसा बाप पता नहीं क्या है तेरे मन में। भाई 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 प्लीज आप बस मेरी मजबूरी समझो और ये हेल्प कर दो, ये उपकार कर दो, बस पैसे पहुंचा दो हॉस्पिटल तक। यार जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा बाप है यार तू। हे भगवान, मेरी बच्ची की और इस आदमी का मदद करना भगवान, अच्छे से पहुंच जा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, सौरभ की बेटी बीमार है ना? हाँ। उसकी बेटी के पैसे इलाज के। अच्छा हुआ तुम ये पैसे ले आए, इस पैसे की जरूरत थी, इस पैसे से ही हम उसकी बेटी का इलाज कर सकेंगे। डॉक्टर साहब उसकी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ, उसकी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, हम वैसे भी उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत भला हो, आप बस उसकी बच्ची को ठीक कर दो, वो बेचारा सौरभ भी बहुत परेशान था कि उसकी बच्ची कब तक कैसे ठीक होगी, वो भी और बंदोबस्त कर रहा है लगता है अपनी बेटी के लिए, वो भी बस आता ही होगा अपनी बच्ची को देखने, तब तक आप उसका इलाज कर दो डॉक्टर साहब। क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, उसका पापा आता ही होगा, आप बस इलाज शुरू करो डॉक्टर साहब। लगता है तुम्हें भी इलाज की जरूरत है, इस बच्ची के पापा तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं है। मुझे इलाज की क्यों जरूरत है? अरे इस बच्ची के पापा 2 दिन पहले ही जा चुके हैं, 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं वो, इसीलिए तो ये बच्ची बीमार है। क्या सौरभ इस दुनिया में बचा नहीं? हाँ, वो 2 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। हे भगवान, सौरभ अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ सोच रहा था और मैं उसको समझ नहीं पाया। हे भगवान इस बच्ची का ख्याल रखना और उसका भी ख्याल रखना। धन्य है वो बाप, धन्य है वो बाप। क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? कौन धन्य, किसे धन्यवाद दे रहे हो तुम? धन्य है वो बाप जो मरने के बाद भी अपनी बेटी के बारे में इतना सोच रहा है। हे भगवान उसकी बेटी को एकदम ठीक कर दियो। कुछ नहीं मैडम, आप बस उसका इलाज करो और उस बच्ची के लिए कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं उसको पूरा करूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने दक्षिण से सौम्या को फॉलो नहीं करा है तो जरूर कर लें, मैं फिर से लौट के आऊंगा कुछ नया और एंटरटेनिंग लेके, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। दक्ष वर्सेस सौम्या की इंस्टा आईडी है दक्ष वर्सेस सौम्या ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।